आज नीमच नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में करीब 2.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सीसी रोड और डामर सड़कों का लोकार्पण सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा एक समारोह में किया गया। जिला चिकित्सालय के बाहर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, योगेश जैन, रंजना करण परमाल, मीना जायसवाल, छाया जायसवाल आदि उपस्थित रहे। बताते चले कि हाल ही में नगर पालिका द्वारा सिविल हॉस्पिटल रोड, शाहबुद्दीन बाबा दरगाह रोड, सिंधी कॉलोनी वार्ड नंबर 28 और 29, बौरा बाजार आदि विभिन्न जगहों पर डामर और सीसी सड़कों का निर्माण किया गया है। इस मौके पर स्वाति चोपड़ा ने कहा कि शहर को सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में नगर पालिका का यह महत्वपूर्ण प्रयास है। बहुत बहुत शुभकामनाओं का अवसर है। देश आजाद हुआ, गणतंत्र लागू हुआ, मगर ये 26 जनवरी ऐतिहासिक है, क्योंकि आज़ादी के क्रम में गुलामी के चिन्हों को मिटाते हुए देश ने प्रगति के नए सोपान तय करने हैं। आज राम जन्मभूमि पर जो हमारी मुगलियाकालीन लड़ाई और ब्रिटिशकालीन लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद जिसे प्राथमिकता देनी थी न देते हुए जो मुद्दे पीछे रह गए थे, उसमें राम जन्मभूमि एक ऐसा विषय था जो देश के करोड़ों करोड़ लोगों के मनों में था। आज हम नए राम मंदिर का और भव्य दृश्य लोगों के मनों में उतरते हुए देख रहे हैं, इसलिए बधाई द्विगुणित है। और बधाई इसलिए भी बनती कि इस बार की 26 जनवरी पर परेड में जितने हवाई जहाज़ से लेकर हेलीकॉप्टर तक और टैंकों से लेकर मिसाइलें तक प्रदर्शित होगी, वो सब इंडिजीनियस है, वह भारतीयों द्वारा बनाई हुई रहने वाली है। इसलिए हमारे लिए ये बड़े गौरव के क्षण हैं कि देश ने मोदी युग में जो परिवर्तन किया है, जो प्रगति किया है, जो दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया है, वह इस बार की गणतंत्र की परेड में परिलक्षित होना है। इसलिए हम सब के मन में खुशियां बहुत द्विगुणित है और बधाइयों को लेने देने का क्रम भी आज बहुत विशाल है। देश आज़ादी के बाद, गणतंत्र लागू होने के बाद इस साल बड़े भव्य स्वरूप से इस समारोह को, गणतंत्र के समारोह को मनाएगा। जी, आज लगभग 2.5 करोड़ के जो हमारे रोड बने हैं नवनिर्मित, उनका लोकार्पण हमने किया। माननीय सांसद जी सुधीर गुप्ता जी भी आए हैं और हमारे साथ हमारे विधायक जी भी हैं, मेरे पास अध्यक्षा जी, मेरी पार्षद बहन, बीजेपी की हमारी महिला मोर्चा अध्यक्षा, हम सब ने मिलकर इन रोड का जो अभी लोकार्पण किया, पूजा करी, रिबन कट किया। मन में अति प्रसन्नता है, असीम खुशी है इस बात की कि जब हम कोई सपना देखते हैं, कुछ कोशिशें करते हैं और जब वो मेहनत सफल होती है तो मन को अच्छा लगता है कि इतने सारे रोड की जो हमने प्लानिंग की थी। हम चाहते हैं कि शहर में अच्छी व्यवस्थाएं हो, शहर सुगम हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो और उसी दिशा में बढ़ते हुए, उसी कड़ी को आगे से आगे जोड़ते हुए विकास की श्रृंखला में हमने इन रोडों का लोकार्पण किया है। जैसा आप देख सकते हैं, हम जहाँ खड़े हैं जिला चिकित्सालय, ये एक बहुत प्रमुख रोड है। यहाँ पर जो हमारा चिकित्सालय है वो यहाँ पर है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ आती जाती हैं। तो इस रोड को बनाया है, अच्छा बनाया है, अच्छी गुणवत्ता से बनाया है और साथ में चौड़ीकरण भी किया है। जब रोड ब्रॉड होते हैं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो शहर में एक स्मार्टनेस आती है। हम चाहते हैं हम इस शहर को शहर बनाएं, इसको गांव ना बनने दें। तो जब रोड चौड़े होंगे, स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। तो ये जो रोड है सारे जो बने हैं सारे, अब हम शहर को समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।